हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना और स्वागत है आपका अशोका इंस्टीट्यूट फॉरबिसगंज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इंग्लिश में से हम लोग बोलते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो आज हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में कि इस चैप्टर में कि आखिर ये स्वास्थ्य क्या होता है, ये रोग क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वास्थ्य क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, क्या बताएंगे आप? कि मुझे कोई बीमारी नहीं हो रखी तो मैं स्वस्थ हूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। अगर कोई हमसे पूछे कि स्वास्थ्य क्या होता है, तो स्वास्थ्य का मतलब होता है कि सिर्फ आप बीमारी से ही फ्री नहीं हैं, बल्कि आप फिजिकली, मेंटली और सोशली इन तीनों तरीका से आप क्या है, स्वस्थ हैं। तो आप क्या कहलाएंगे? स्वस्थ कहलाएंगे। इसे हम लोग बोलते, देखिए अगर मैं बोलूं कि फिजिकल तरीका यानी कि शारीरिक तौर पर अगर आप सही हैं, मानसिक तौर पर आप सही हैं, आप सामाजिक तौर पर सही हैं, तो क्या आप क्या कहलाएंगे? आप हेल्दी कहलाएंगे, आप स्वस्थ कहलाएंगे। अब बात आती है कि ये शारीरिक तौर पर क्या होता है, मानसिक तौर पर क्या होता है, सामाजिक तौर पर क्या होता है। तो इसका मतलब सुनिए क्या होता है। शारीरिक तौर पर का मतलब होता है कि आप किसी भी प्रकार से अपाहिज ना हो। मान लीजिए कोई इंसान अपाहिज है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको कार्य करने में क्या होता होगा, कठिनाई होगी। तो वह क्या कहलाएगा? वो हेल्दी कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। अगर कोई मानसिक तौर पर, दिमागी तौर पर वो डिप्रेशन का शिकार है या किसी प्रकार का उसको मानसिक बीमारी हो रखी है, मानसिक रोग हो रखा है, क्या वो स्वस्थ कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। कोई सामाजिक तौर पर क्या होता है, जैसे कि आप समाज में थोड़ा घुलते मिलते नहीं हैं, या फिर आप क्या होता है कि आप समाज में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, किसी भी कार्य में आप भाग नहीं लेते हैं, तो भी आप क्या कहलाते हैं? हेल्दी नहीं कहलाते हैं, आप स्वस्थ नहीं कहलाते हैं। अब जैसे कि देखिए, तो इसी प्रकार से अगर मैं हेल्थ का डेफिनेशन लिखूं, यानी कि मैं स्वास्थ्य का डेफिनेशन लिखूं, तो क्या होता है? जैसे कि देखिए, जब कोई व्यक्ति, स्वास्थ्य को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हेल्थ, क्या बोलते हैं? हेल्थ। जब कोई व्यक्ति शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक तौर पर सही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वास्थ्य कहेंगे, स्वास्थ्य कहते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर क्या है, सही है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब बात आती है कि स्वास्थ्य तो हमको समझ में आया कि ये स्वास्थ्य होता है, रोग क्या होता है, या मैं अगर मैं बोलूं कि रोग की अनुपस्थिति, रोग की अनुपस्थिति रोग की अनुपस्थिति अगर कोई इंसान आपसे आकर के बोले कि मेरे शरीर में कोई प्रकार का रोग नहीं है, तो क्या मैं हेल्दी हूं? तो क्या मैं स्वस्थ हूं? बिल्कुल नहीं है। आप मान लीजिए कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं किसी प्रकार का रोग नहीं। अभी रोग कैसे होता है जरा उसके बारे में भी देख लेते हैं कि रोग जो होता है वो सूक्ष्म जीव से होता है, सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए क्या क्या चीजें होती है जिसकी वजह से रोग होते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। विषाणु,
पहले जीवाणु लिख लेते हैं, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, फिर होता है विषाणु यानी कि क्या हो गया वायरस, कवक फंगी हो गया ये, देन प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटोजोआ को हम लोग इंग्लिश में प्रोटोजोआ ही बोलते हैं। अब देखिए कहते कि अगर ये सारी चीजें, ये सारे जितने भी सूक्ष्म जीव है आपके बॉडी में, मान लेते हैं कि ये सारे आपके बॉडी में नहीं है तो भी क्या आप हेल्दी कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। मान लीजिए कि ये सारी चीजें मेरे बॉडी में नहीं है, मेरे शरीर में नहीं है, पर हो सकता है कि मैं मानसिक तौर पर बीमार हूँ, हो सकता है मैं सामाजिक तौर पर सही नहीं हूँ, तो भी मैं हेल्दी नहीं हूँ, तो भी मैं स्वस्थ नहीं कहलाऊंगी। यानी कि जो स्वस्थ होगा वो हर तरीके से सही होना चाहिए, वो शारीरिक तौर पर भी सही होना चाहिए, मानसिक तौर पर भी सही होना चाहिए, और सामाजिक तौर पर भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य बोलते हैं। और एक चीज देखिए जरा, जो स्वास्थ्य है, जो स्वस्थ आदमी होगा उसके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, तभी वो क्या कहला रहा है, स्वस्थ कहला रहा है। अगर किसी के शरीर में रोग नहीं है तो क्या वो हेल्दी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। मानते हैं कि रोग नहीं है मगर मानसिक तौर पर बीमार हो सकते हैं हम सामाजिक तौर पर बीमार हो सकते हैं, हो सकता है कि मेरा हाथ पैर टेढ़ा हो, मैं अपाहिज हूँ, तो क्या मैं हेल्दी हूँ? नहीं हूँ। यानी कि रोग नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वस्थ हैं, मगर आप स्वस्थ हैं तो रोग आपके शरीर में नहीं होगा तो वह स्वस्थ कहलाएगा। समझ में आ गया बात? उसके बाद देखिए, ऐसे कौन कौन सी चीज होती है जो स्वास्थ्य को इफेक्ट करता है, जो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है। देखिए पहला होता है अनुवांशिकता, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का क्या मतलब होता है? अनुवांशिकता का मतलब होता है कि जेनेटिक्स, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स में अनुवांशिकता, मतलब जेनेटिक्स, जेनेटिक्स हमारे पेरेंट्स से हमें आता है, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स में किसी भी प्रकार का ऐसा बीमारी था तो वो आपके में भी होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए तो उन्हीं का है ना हमारे शरीर में। अब जैसे कि मैं बात बता दूं आपको कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसी फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है और उसके शरीर में क्या हो रखा है, एड्स हो रखा है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसके बच्चे में वो एड्स होगा। तो यानी कि अगर आपके पेरेंट्स बीमार है तो आपका भी स्वास्थ्य खराब हुआ। अगर माँ को एड्स हो रखा है तो बच्चे में भी एड्स आया, जेनेटिक है ये, यानी कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पूर्वज से बच्चे तक आना, ये भी आपके स्वास्थ्य को क्या करता है, अफेक्ट करता है। दूसरा क्या है? दूसरा होता है संक्रमण, संक्रमण। संक्रमण क्या होता है भाई? जो एक दूसरे से फैलता है, इससे आप में, हमसे उसमें, उससे उसमें। बीमारी जब एक दूसरे से फैले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण बोलते हैं, यानी कि इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? इन्फेक्शन, संक्रमण। सपोज कीजिए कि मुझे कॉमन कोल्ड हो गया और मेरे सामने में कोई बैठा, मैंने छींक दिया, मेरे जो मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकला है, जो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स निकले हैं मेरे माउथ से, वो क्या होगा, एयर के थ्रू उसके बॉडी में गया। और हम सब जानते हैं जो कॉमन कोल्ड होता है, वो जो सर्दी जुकाम होता है, वो वायरस से होता है, यानी कि वो विषाणु से होता है। किस विषाणु से होता है? तो राइनो वायरस से होता है। और वो एक दूसरे से फैल गया, संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया। तो एक दूसरे से भी अगर किसी को बीमारी हो रखी है, या मान लीजिए किसी को टीबी हो रखा है, आप उसके पास गए, दो चार दिन बैठे,
आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, क्योंकि उसका जो वो बैक्टीरिया था, जिस बैक्टीरिया से उसको वो टीबी हो रखा था, वो आपके शरीर में आया, आपका हेल्थ खराब हुआ, आप बीमार हुए। यानी कि इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे हेल्थ के ऊपर। तीसरा होता है जीवन शैली। जीवन शैली, जीवन शैली का मतलब क्या होता है भाई? हमारा रहने का, हमारा जीने का तरीका, आप कैसा खाना पीना लेते हैं। मान लीजिए जो आप जो भोजन ले रहे हैं वो भोजन में उतना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स नहीं है, तो क्या आप हेल्दी कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं कहलाएंगे हेल्दी भाई। उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए आप जिस एरिया में रह रहे हैं वो काफी ज्यादा दूषित, पूरा कूड़ा कचरा फैला हुआ है, तो भी आपका जीवन शैली खराब हुआ ना, आपको बीमारी तो आसानी से आपके बॉडी में एंट्री ले लेगा, तो भी आप क्या हो गए? बीमार हो गए। यानी कि हमारा जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हम एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते, ये सब चीज हमारे जीवन शैली में आता है, तो ये भी हमारे हेल्थ के ऊपर क्या करता है? इफेक्ट करता है। इससे भी हमारा हेल्थ अच्छा या खराब हो सकता है। अगर आपका जीवन शैली बढ़िया तो आपका हेल्थ बढ़िया, जीवन शैली खराब आपका हेल्थ खराब। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग रोग के बारे में। रोग क्या होता है भाई? रोग यानी कि डिजीज। देखिए रोग का मतलब क्या होता है, कहते कि आपके शरीर का जब एक या एक से अधिक अंग सही तौर पर कार्य करना बंद कर दे या सही तौर पर कार्य नहीं करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रोग बोलते हैं। अब जैसे कि मान लो कि मुझे सर्दी खांसी जुकाम हो गया, तो मेरा जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर इफेक्ट करेगा ना, हमारा जो ये सांस जहाँ से हम ले रहे हैं, हमारे नाक वाक में हमारा पूरा कफ भर जाए तो सांस लेने में दिक्कत होगी ना। आप बीमार हुए कि नहीं हुए? अगर मान लो कि मुझे क्या हो गया, निमोनिया हो गया। अब निमोनिया में क्या होता है, डायरेक्ट हमारे वो लंग्स को इफेक्ट करता है, हमारे एयर सैक यानी कि एल्वियोलाई को वो इफेक्ट करता है, तो हमारा एक ऑर्गन खराब हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने का मतलब कि हमारे शरीर का जो अंग है वो जो कार्य कर रहा है, अगर वो कार्य करना बंद कर दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोग बोलते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे बॉडी में लिवर है, लिवर का क्या कार्य, जो कार्य होता है अगर वो अपना कार्य करना बंद कर दे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो वही तो हुआ रोग, हम बीमार पड़ गए, मतलब हम रोग से ग्रसित हो गए। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जब एक से अधिक अंग कार्य नहीं करता तो उसे हम क्या बोलते हैं? रोग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? रोग कहते हैं। तो रोग तो समझ में आ गया। अब बहुत सारा रोग है, कॉमन कोल्ड है, टीबी है, मलेरिया है, निमोनिया है, टाइफाइड है, इतने सारे बीमारियां, सबके सब किसी न किसी एक ऑर्गन को क्या करता है, वो इफेक्ट करता है, किसी न किसी एक अंग को वो क्या करता है, प्रभाव डालता है अपना। अब देखिए रोग के बाद देखो, ये जो रोग होता है ये रोग कितने प्रकार के होते हैं? ये रोग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है असंक्रमित, दूसरा क्या होता है? संक्रमित। ठीक है, देखिए ये असंक्रमित क्या होता है भाई? असंक्रमित का मतलब होता है कि वैसे डिजीज जो एक दूसरे से नहीं फैलता है,
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असंक्रमित। वैसा डिजीज जो एक दूसरे से नहीं फैले, जैसे कि कैंसर। कैंसर कभी भी आपने सुना है कि उस आदमी को कैंसर हो रखा था, हम उसके साथ साथ बैठ गए तो हमको भी कैंसर हो गया? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कैंसर जो होता है, कैंसर जब हमारा कोई शरीर हमारे बॉडी में किसी एक जगह पर जब बहुत सारे कोशिका अचानक से और बहुत स्पीड में बहुत तेजी से वो क्या करने लग जाए, डिवाइड करने लग जाए, बहुत ज़्यादा क्या करे वो विभाजित होने लग जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ढेर सारा कोशिका जमा हो जाएगा और वो एक गांठ का रूप ले लेगा। ठीक है, अब जो ये गांठ का रूप ले लिया, यही तो आपका कैंसर है। ये कभी भी एक दूसरे से नहीं फैलता, तो इसलिए इसका एग्जाम्पल जो असंक्रमित का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कैंसर। ठीक है, और बीमारी ले लीजिए, डायबिटीज। कभी आपने सुना है कि एक आदमी को डायबिटीज हुआ तो दूसरे को भी डायबिटीज हो गया? नहीं होता ऐसा, डायबिटीज कभी भी एक दूसरे से नहीं फैलता। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, क्या कभी सुना है आपने कि एक दूसरे से ब्लड प्रेशर फैलता है? कभी नहीं फैलता। तो यानी कि ये हो गए सारे के सारे, कौन सा बीमारी हो गया, ये सब असंक्रमित हो गया। अब देखते हैं कि संक्रमित क्या होता है, संक्रमित डिजीज क्या होता है। कहते कि वैसे बीमारी जो एक दूसरे से फैलता है, जैसे कि टीबी, ठीक है, टीबी हो गया। उसके बाद और कौन से ऐसे बीमारी है जो एक दूसरे से फैलता है? और भी बहुत सारे बीमारी, जैसे कॉमन कोल्ड, आप सर्दी खांसी ही ले लीजिए, सर्दी, ये भी एक दूसरे से फैलता है। एड्स, ये भी बीमारी एक दूसरे से फैलता है। यानी कि जो बीमारी एक दूसरे से फैलता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग संक्रमित। तो संक्रमित को हम लोग इन्फेक्शियस बोलते हैं, इन्फेक्शियस, और असंक्रमित को हम लोग बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, चलिए, अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स हम लोग, और इसे नहीं मिटाऊंगी, इसका काम है अभी। देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मानव शरीर में रोग कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो मानव के शरीर में होता है। दुनिया भर में ढेरे रोग है, पर सबके बारे में तो हम नहीं पढ़ सकते ना, पर कुछ कुछ जो मेन मेन रोग है जो हमें जानना है हमारे सिलेबस के लिए, जो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम जानेंगे। रोग के बारे में जानने से पहले, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि आखिर ये रोग होता किससे है, किसकी वजह से ये रोग होता है, यानी कि उसे हम लोग बोलते हैं रोग जनक। रोग जनक यानी कि पैथोजेंस, जिसकी वजह से बीमारी हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं रोग जनक यानी कि पैथोजेंस। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया, विषाणु यानी कि वायरस, कवक यानी कि फंगी, प्रोटोजोआ को इंग्लिश में प्रोटोजोआ ही कहते हैं। तो ये सारे ऐसे बीमार, ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, ये बीमारियां होती है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोग जनक बोलते हैं। जो बीमारी कॉज करता है, जिसकी वजह से बीमारी होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोग जनक बोलते हैं, यानी कि पैथोजेंस बोलते हैं। चलिए,
अब हम लोग जो जिस बीमारी के बारे में पढ़ने वाले हैं, उस बीमारी का नाम क्या है भाई? उस बीमारी का नाम है टाइफाइड। इस बीमारी का नाम क्या है भाई? टाइफाइड। ये जो बीमारी है ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है जीवाणु की वजह से। कौन से जीवाणु की वजह से? सेलमोनेला टाइफी। सेलमोनेला टाइफी, इसे मैं ऐसे भी लिख देती हूं, सेलमोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो सेलमोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से ये टाइफाइड होता है। इसके पीछे एक कहानी है। कहानी है एक रसोईया की। रसोईया को क्या बोलते हो आप लोग? रसोईया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। रसोईया यानी कि जो खाना बनाता है, जो भोजन पकाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रसोईया बोलते हैं। तो मैरी मिलन नाम की एक महिला थी जो क्या करती थी, खाना बनाती थी, रसोईया थी, वो खाना बनाती थी। और उसको नहीं पता था कि वो इस सेलमोनेला टाइफी जीवाणु से ग्रसित है। और वो क्या करती थी, सबको भोजन करवाती थी, और भोजन के साथ साथ ये बीमारी भी परोस देती थी बोनस में। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये बीमारी पूरा फैला है, इसकी वजह से मैं लिख देती हूँ नाम, मैरी मेलन। मैरी मेलन जो कि क्या थी, एक रसोईया थी, खाना बनाती थी। उसका निकनेम, निकनेम का मतलब क्या होता है? घर में बुलाए जाने वाले नाम, जैसे कि हम लोग के घर में तो सोनू मोनू टोनू ये सब जो नाम होता है, घर में बुलाए जाने वाले नाम होते हैं। तो इसका निकनेम क्या था? तो मैरी मिलन का निकनेम था टाइफाइड, टाइफाइड मैरी। इसका घर का नाम था टाइफाइड मैरी, निकनेम। और ये जो टाइफाइड, इसका जो निकनेम देख रहे हैं ना, इसी निकनेम के नाम पर पड़ गया है इस बीमारी का नाम टाइफाइड। और ये जो बैक्टीरिया दिख रहा है ना, सेलमोनेला टाइफी, टाइफाइड का बैक्टीरिया है, इसलिए इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? टाइफी। समझे? तो ये मैरी मिलन भोजन पकाती थी, सबको खिलाती थी, और साथ में बीमारियां भी उस सबको देती जाती थी। जब इस बीमारी का चेकअप हुआ तो पता चला कि अच्छा, ये तो यहाँ से फैलता हुआ आ रहा है। तब उसका पूरा डिटेल में उसके सारे बातें बताई गई हैं, जैसे कि उसका नाम दिया गया टाइफाइड, जो किस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है? सेलमोनेला टाइफी की वजह से हो रहा है ये बीमारी। उसके बाद देखिए, अब ये टाइफाइड हो गया, आखिर ये टाइफाइड फैलता कैसे है? फैलना कैसे फैलता है ये टाइफाइड? तो ये जो टाइफाइड है ना, ये आपके दूषित भोजन, दूषित पानी की वजह से फैलता है। कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से ये बीमारी क्या होता है, एक दूसरे में फैलता है। जैसे कि हम लोग मार्केट जाते हैं, फटाफट चाउमीन, मोमोज, गोलगप्पे, ये सब पूरा दबा के खा लेते हैं। कभी आपने सोचा है कि इसकी वजह से आपको बीमारी हो सकती है? इसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो इसमें हम सब बोल सकते हैं कि दूषित, दूषित जल तथा भोजन, दूषित जल तथा भोजन की वजह से ये बीमारी फैलता है। उसके बाद क्या क्या इसके लक्षण हो सकते हैं? अगर ये बीमारी हो जाए तो उसके लक्षण क्या सब होंगे? तो सबसे पहले क्या सब लक्षण होता है कि हाई फीवर। हाई फीवर मतलब बहुत तेज बुखार। कितना बुखार?
इतना बुखार तो 39 to 40 degrees Celsius टेम्परेचर उसके बॉडी का चला जाएगा जब टाइफाइड उसको होगा। तो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बताइएगा आप लोग कमेंट में, मैं तो बता ही दूंगी। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर सेल्सियस की बात करें तो 70 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस में और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में। इसका कितना जा रहा है भाई? 39 to 40 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, यानी कि हाई फीवर है। और क्या होगा? तो कब्ज होगा, जिसको टाइफाइड हो जाए उसको कब्ज की बीमारी, कब्ज का प्रॉब्लम हो जाएगा। सर दर्द होगा, सर में दर्द होगा, ठीक है, बुखार, कब्ज, सर में दर्द, और भूख ना लगना, भूख ना लगना। ऐसे लोगों को भूख नहीं लगेगा, उसको लगेगा पेट तो भरा भरा सा ही लग रहा है, खाने का तो मन ही नहीं कर रहा है, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख ही नहीं लग रहा है, क्योंकि उसको क्या हो रखा है, टाइफाइड हो रखा है। अब जब इतना सारा लक्षण देख लिए तो ऐसा कौन सा अंग है हमारे शरीर का जो खराब होगा? रोग है ना ये, और रोग में तो हम सब जानते हैं कि जब एक अंग या एक से अधिक अंग सही से कार्य नहीं करता उसको हम लोग रोग बोलते हैं। तो टाइफाइड में ऐसा कौन सा अंग है जो सही से कार्य नहीं करने लग जाता? तो कौन सा अंग होता है? छोटी आंत, छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। देख लीजिए, कहते हैं कि अगर आप सीवियर कंडीशन में हैं, अगर आपने बहुत दिनों से अपना इलाज नहीं करवाया है और आपको टाइफाइड हो रखा है, अगर आप जरा सा भी नज़रअंदाज कर दें, आप अपना इलाज ना करवाएं और बहुत दिनों से आपको ये टाइफाइड हो रखा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी छोटी आंत में छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान मर सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो अब पता कैसे किया जाए कि क्या हो रखा है उसे, टाइफाइड हो रखा है? तो इसके लिए एक टेस्ट होता है। टेस्ट होता है कौन सा टेस्ट होता है भाई? तो विडाल टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट ये एक ऐसा टेस्ट है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में क्या हो रखा है, सेल्मोनेला टाइफी ने एंट्री ले रखा है और हमें क्या हो रखा है, बीमारी हो रखा है। कौन सा बीमारी? तो टाइफाइड हो रखा है। जैसे कि देखिए, अब इतने सारे लक्षण आपके शरीर में आ गए, आपको बुखार लग गया, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, भूख नहीं लग रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास भागेंगे। अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपको आपके सारे लक्षण सुनने के बाद फिर वो आपका ब्लड लेगा और आपको कौन से चेकअप के लिए भेज देगा? विडाल टेस्ट के लिए, क्योंकि टाइफाइड के लिए जो हमें चेकअप करवाना होता है वो कौन सा चेकअप करवाना होता है? विडाल टेस्ट करवाना होता है। और इस विडाल टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा बीमारी हो रखा है, टाइफाइड हो रखा है। तो आपका ब्लड टेस्ट लिया जाएगा, 5 ml से 10 ml, जितना डॉक्टर की मर्जी हो, नहीं जितना डॉक्टर की मर्जी हो उससे कुछ नहीं हमें कहना हो, डॉक्टर 5 से 10 ml ही ब्लड लेता है, ये नहीं कि आपका पूरा बॉटल ब्लड निकाल लेगा, उतना नहीं निकालता, 5 से 10 ml, ठीक है। तो फिर आपका हो जाएगा विडाल टेस्ट, पता चल जाएगा कि आप सेल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से ग्रसित है, आपको टाइफाइड हो रखा है। तो इसी के साथ विडाल टेस्ट यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, कितनी बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि बताइए कि टाइफाइड के लिए कौन सा चेकअप करवाया जाता है, तो विडाल टेस्ट करवाया जाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए जो
टाइफाइड में टेम्परेचर कितना जाता है बॉडी का, तो 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है भाई हमारे बॉडी के टेम्परेचर का। तो इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम बहुत सारे डिजीज़ के बारे में आपको पढ़ाएंगे, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, पूरा प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, वो सारा का सारा आपको समझाया जाएगा। और बने रहिए आप अशोका इंस्टीट्यूट के साथ और मुफ्त में लुफ्त उठाइए इतने सारे वीडियोस का, बहुत सारे सारे सब्जेक्ट के आपको मिलते जाएंगे और स्पेशली मैं इसके सारे वीडियोस अपलोड करूँगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।